अच्छा देखो, नहीं बेटा नहीं, रोना नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं। पढ़ी लिखी हो ना तू, तो फिर बिटिया ये अनपढ़ जैसी बातें क्यों कर रही हो? नहुसत की और ये फजूल बातें कहां से आ गई? अबू, मुझे आपसे एक बात करनी है। बैठो बेटा। जब मैंने आपको कह दिया था कि मैं शादी के लिए रजामंद हूं, फिर आपने क्यों मना किया? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं और कोई भी बाप जानते बूझते अपनी औलाद को जहन्नुम में नहीं धकेलता। वो औलादें और होती हैं अबू, मेरे जैसी नहीं होती जो बार बार अपने बाप का सर शर्मिंदगी से झुका दे। हम सबके लिए यही बेहतर है कि मैं इस घर से शादी करके चली जाऊं, वरना मेरी नहुसत का साया मेरी बहनों की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बिटिया, क्या हुआ है? देखो मेरी तरफ। अच्छा देखो, नहीं बेटा नहीं, रोना नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं। पढ़ी लिखी हो ना तू, तो फिर बिटिया ये अनपढ़ जैसी बातें क्यों कर रही हो? नहुसत की और ये फजूल बातें कहां से आ गई? बिटिया, हो जाती इंसान से गलतियां। कोई भी बाप जानते बूझते एक बेटी का मुस्तकबिल बचाने के लिए दूसरी बेटी को कुएं में तो नहीं धकेल देता। और बेटिया, बोझ नहीं हो तुम, वो भी ऐसा बोझ जिसे मैं उतारने के लिए किसी भी अरे गहरे नथु गहरे के हवाले कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता बेटिया। रोते नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोते ना। बस बिटिया, ना कोई बहस होगी इस बारे में और ना तुम रोगी, समझ आ रही है? कोई भी माँ बाप जानते बूझते अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करता। औलाद कभी कभार जज्बात में गलत फैसले कर लेती है, मां बाप ऐसा नहीं करते और मैं भी नहीं करूंगा। शाबाश, बस बस मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।